आज दीदी के पास आए हो आप, हाँ क्या सोच के क्या विचार करके? बस ऐसे ही सोचे निशा दीदी से जाके मिलेंगे। मेरा अच्छा, हेयर फॉल हो चुकी है कैंसर के कारण। ओके। मैं बहुत स्ट्रांग लेडी लगती है कि इस टाइम पे ऐसे ट्रीटमेंट में इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं कहीं ना कहीं इनकी हेल्प कर पाऊँ। मैं इनसे रिव्यू लेता हूँ कि आपको क्या लगता है दीदी किस लेवल पे सुंदर बनाने वाली है आपको आज। जी, मुझको फिर से पहले वाला लुक दे सकती है। छोटी सी प्यारी सी लाइन आप दर्शकों को बोल सकते हैं जिनपे उनमें हिम्मत बढ़े। कोई भी बीमारी से हारना नहीं चाहिए, बीमारी का सोल्यूशन आजकल सब जगह है। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। दीदी, पहले तो हम दुआ करेंगे परमात्मा से दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाए, और मेरे जितने भी दर्शक है सब दुआ करेंगे दीदी के लिए, दीदी का कैंसर जल्दी ठीक हो जाए। जैसे आपको कैंसर हुआ, शुरू में डर लगा था आपको? नहीं, मतलब निशा लांबा एक ऐसा नाम जिसको हर बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है। हाँ। मैं इनसे रिव्यू लेता हूँ कि आपको क्या लगता है दीदी किस लेवल पे सुंदर बनाने वाली है आपको आज। दीदी को आपने इतना सुंदर बना दिया। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, बहुत सुंदर लग रही है। दीदी नमस्ते। जय माता दी भाई। दीदी नमस्ते। जय माता दी। कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं। आज दीदी के पास आए हो आप? हाँ। क्या सोच के क्या विचार करके? बस ऐसे ही सोचे निशा दीदी से जाके मिलेंगे। अच्छा। मेरा हेयर फॉल हो चुकी है कैंसर के कारण। ओके ओके ओके। झारखंड से आए थे। अच्छा, दीदी को कैंसर है? हाँ। ओके, उसके उसके चल रही है। तो इसमें मतलब क्या दिक्कत डॉक्टर ने बताई दीदी, बताओगे एक बार? ये कहते हैं बस कुछ नहीं, बोले कैंसर है जिससे हेयर फॉल हो सकता है, कुछ दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाएगा। ओके ओके ओके। इसमें मतलब जो मेन मैटर बताया डॉक्टर ने वो हेयर फॉल का लेके ज्यादा बताया। कीमो ट्रीटमेंट आता है ना, उस ड्यूरेशन में आपका बाल निकल जाता है। ओके ओके ओके। जो डॉक्टर कीमो ट्रीटमेंट पे डालते हैं जी, उस ड्यूरेशन में 4-5 महीने का होता है। 1 महीने में 2 कीमो होते हैं, है ना? हाँ, 1 महीने, 1 महीने में 2 कीमो होते हैं और ऐसे बाल निकलते हैं, ऐसे रबड़। दीदी, पहले तो हम दुआ करेंगे परमात्मा से दीदी जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छे से बहुत प्यार से जिंदगी जिए, और मेरे जितने भी दर्शक है सब दुआ करेंगे दीदी के लिए, दीदी का कैंसर जल्दी ठीक हो जाए। इसका कुछ चांस भी तो, कुछ टाइम पीरियड बताया ठीक होने का? मेरा कैंसर ट्रीटमेंट सही हो खत्म हो चुका है, रेडिएशन चल रहा है, रेडिएशन भी अब करीब करीब खत्म हो जाएगा। ओके, अब बस कहते हैं उसके बाद फिर हार्मोन थेरेपी चलेगा। ओके, 4-10 ईयर्स का है बस, नथिंग। ओके ओके। तो दीदी के पास कैसे पहुंचे, कोई वीडियो देखकर पहुंचे या दीदी को पहले से जानते हो आप? ननंद है वो बहुत कहते हैं। अच्छा। बहुत इंस्पायर है। अच्छा। और मेरी बेटी भी कहते हैं इनके पीछे पड़ी हुई रहती है। अच्छा, आपके पूरी फैमिली इनकी फैन भी है? हाँ, बहुत बड़ी फैन है। मतलब निशा लांबा एक ऐसा नाम जिसको हर बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है। दीदी, इतना तगड़ा नाम आपका द्वारका में यार। चलो, माता रानी की दुआ है मेरे भाई ये मेरे पास आए। मुझे तो बहुत स्ट्रांग लेडी लगती है कि इस टाइम पे ऐसे ट्रीटमेंट में इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं कहीं ना कहीं इनकी हेल्प कर पाऊँ। आप हेल्प तो कर दोगे, आप सुंदर भी बना दोगे। हाँ। मैं इनसे रिव्यू लेता हूँ कि आपको क्या लगता है दीदी किस लेवल पे सुंदर बनाने वाली है आपको आज। दीदी, तो कहते मेरा बाल जो जा चुका है जी, उसको कहते हैं उसको आर्टिफिशियल बाल देकर जी, मुझको फिर से पहले वाला लुक दे सकती है। क्या बात है दीदी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी वेरी। मतलब आपको इनके ऊपर इतना भरोसा है कि ये सारी चीजें ओके कर सकती है? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम इनके बालों में एक्सटेंशन अभी लगाने जा रहे हैं। ओके, 100% ह्यूमन हेयर की एक्सटेंशन है, और जो कहता है एक्सटेंशन वर्थवाइल नहीं रहती, एक्सटेंशन इतनी वर्थवाइल रहती कि एक इंसान की लाइफ को चेंज कर दे। हो सकता है आपको उसकी नींद ना हो, प्यासे को पानी की वैल्यू का पता हो, तो सबको नहीं पता हो। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटी सी प्यारी सी लाइन आप दर्शकों को बोल सकते हैं जिनपे उनमें हिम्मत बढ़े, उनमें एक ऐसी फील आए कि यार हमने कभी हार नहीं मानी, डरना नहीं है, उससे लड़ना है, तो क्या एक मैसेज देना चाहते हो? जैसे आपको कैंसर हुआ, शुरू में डर लगा था आपको? नहीं। अच्छा, अब जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? कोई भी बीमारी से हारना नहीं चाहिए, बीमारी का सॉल्यूशन आजकल सब जगह है। बहुत अपने आप को हमेशा, अपने आप में हमेशा विश्वास रखना चाहिए, हिम्मत से तो लड़ाई। बहुत हिम्मत वाली दोस्तों ये लेडी है, बहुत पावरफुल लेडी है। आपको मोटिवेट करने के लिए अपना फेस भी दे रही है, वरना ऐसे केसेस में हम प्राइवेसी रखते हैं, बट शी से कि मेरा फेस ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। दीदी कह रही बीमारी है चली जाएगी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ जी जी। दीदी, दीदी को आपने इतना सुंदर बना दिया, दीदी चेंज हो गया। अब दिल से एक बात बताओ, क्या आपके बाल ऐसे थे या इस टाइम आप बहुत सुंदर दिख रहे हो? नहीं, मेरे बाल नेचुरल ऐसे ही थे। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये 100% ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन है, ये पीछे की तरफ भी ह्यूमन हेयर है, पता नहीं चलेगा किसी को भी। और यहाँ पे भी देखो भैया, ये पूरा स्किन दिख रहा है, अरे दिख रहा ना, पूरा स्किन है। वाह जी वाह। और ये 100% ह्यूमन है, इसलिए कलर भी करवा सकते हैं, ये जो इनका मन करे ये वो करवा सकते, कलर करवा सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, कट करवा सकते हैं, वो करवाना करवाए। वाह, ह्यूमन बाल है, स्कैल्प भी है, बाल भी ह्यूमन है,
और लेडी भी प्योर स्ट्रॉन्ग लेडी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस कुछ टाइम आपको अपने लगाना पड़ेगा, हेयर जाके आके निशा लांबा से एक्सटेंड कराना पड़ेगा तो आपका नेचुरल हेयर आ जाएगा। क्या बात है, निशा लांबा इंडिया में सिर्फ एक ही नाम निशा लांबा, किसी को कोई दिक्कत हो निशा लांबा, हेयर में दिक्कत हो निशा लांबा, हेयर बड़े करने हो निशा लांबा, कोई बड़ी दिक्कत आते निशा लांबा। क्या बात, निशा दीदी एक छोटा सवाल आपसे है। हाँ भाई। हमारे देश में कुछ लोग ना छोटी मोटी बीमारी से बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ गलत विचार उनके मन में आते हैं, आते भैया। तो दीदी ने बहुत बड़ा हौसला भी बढ़ाया कि कभी हार नहीं माननी, उसको फेस करो, सब कुछ पॉसिबल है जी भाई। अगर जिसके चांस कभी कम हो उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? किसके चांस कभी, जैसे लाइक किसी को कैंसर है उसके डॉक्टर ने जवाब दे दिया, होप से तो भगवान भी मिल जाता है भैया, उम्मीद से तो भगवान भी आपके पास होता है, भगवान भी आपने नहीं देखा, उम्मीदों पे हम भगवान को पूज देते हैं, तो आप इतनी उम्मीद तो रखो कि आपको जो जीवन मिला है उस जीवन को अच्छे से जियो। और अगर आपको लगता है कि नहीं भी जी पाते, अगर माइंड में 1% भी डाउट है, तो जितनी भी मोमेंट है उसको फुलफिल करके जियो, ताकि हर पल आपको याद रहे, जो भी उनके पास समय बचा है उसको ऐसे जियो कि तहलका जीना, तहलका जीना भाई, तहलका भाई का तहलका जीना। क्या बात है, थैंक यू। निशा दीदी। हाँ भाई। बाकी के मुकाबले ऐसा क्या है हमारे पास कि मैंने नोटिस किया कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, आज हमने एक कैंसर पेशेंट भी देख लिया जो इतना जिंदा दिल सिर्फ आपके पास आया, ऐसा क्या अपने पास है जो लोग सिर्फ आप ही के पास आते हैं हेयर के मैटर में? विश्वास, और मैं कोशिश भी करती हूँ तोड़ूंगा, उम्मीद, विश्वास, होप, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत इमोशनली है क्योंकि एक टाइम पे मुझको भी था डिप्रेशन, तो शायद वो इस होप से आते हैं क्योंकि जो ऐसे सिचुएशन से जा रहे होते हैं जिनके बाल नहीं होते, जिनकी स्किन नहीं होती, वो लोग बहुत इमोशनली डाउन होते हैं। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, आप वो कुर्ता नहीं खरीदोगे जिसमें अच्छा साफ नहीं होगा, पैकिंग अच्छी नहीं होगी, और ये तो सोसाइटी है, आपको जीने भी नहीं देती, आपके अंदर कमी बताती रहेगी, आपकी अच्छाई नहीं गिने की कमी बताती रहेगी। दीदी सबसे बड़ी बात, एक इंसान के पूरी बॉडी पे एक सुंदरता का मैटर होता है उसका हेयर। वैसे देखो सुंदरता का मैटर आपका नेचर आता है, पर लोग तब तक नहीं आएंगे आपके पास जब तक उनको आपको बाहर से बाहरी सुंदरता नहीं लगेगी। right. ये झूठ है भाई कि कोई कहता है कि बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती, भाई 99.9% बाहरी सुंदरता मैटर करती है। जब बंदा अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐश्वर्य दिखेगा, प्रेजेंटेबल दिखेगा, अपना ध्यान रखेगा, तभी आप जाके उससे बात कर पाओगे, ये मैटर करता है भाई। और भाई सुंदरता मैटर करती है जब तक आपकी इंटरनल ब्यूटी उनके सामने ना आए। राइट right. दीदी अपना सलून ये द्वारका में कहाँ पे है? द्वारका सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन 13 के पास है भैया। और अपनी कोई ब्रांच भी दीदी? नहीं, हमारा यही पे है। अच्छा, तो दोस्तों निशा लांबा दीदी के पास एक बार आप आए, एक बार आए तहलका भाई के कहने पे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और पूरे परिवार में आप फोन करके एक ही बात बोलोगे कि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, आप सभी यहाँ पर जाओ और कहीं मत जाओ। दिल्ली का ये द्वारका इलाका है, नीचे एड्रेस आ रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है भैया? 9821848590। आप भी स्क्रीन पे दिखा देना भैया नंबर। अच्छा ठीक है, आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना मैं। ओ हो दीदी, आपके हाथ पे भी निशा लिखा हुआ है? हाँ मैंने लिखवा रखा भैया। अपने आपसे इतना प्यार करते दीदी आप? हाँ, मैं अपने आप को भूल ना जाऊँ इसलिए अपना नाम लिखवाती। अच्छा, तो मतलब लड़की को अपने आप से खुद से बहुत प्यार होना चाहिए, लड़कों को भी अपने आप से प्यार होना चाहिए भैया। मैं काम में अपने आप को भूल जाती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भूल जाती हूँ, तो ये नाम मैंने इसलिए लिखवाया कि अपने आप को नहीं भूलना है। यहाँ लिखा हुआ है भाई, थिंक पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव मत सोचो, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मेरी दो बेटों का नाम लिखा था जी, और एक यहाँ पे मैंने टैटू लगा था, जी और जीने दो। ओए होए, जी और जीने दो। मैं टैटू लवर नहीं हूँ, पर मैं अपनी थिंकिंग को पॉइंट प्रिंट करवा लेती हूँ। क्या बात है दीदी। हाँ भाई। अगर किसी प्यारी सी लड़की को निशा लांबा बनना हो, उन लड़कियों के लिए जो जिनकी चाहत है कि एक सैलून की एकेडमी हो, उसमें मैंने कुछ कोर्स करना हो, कुछ सीखना हो, हम लोग सिखाते हैं भाई। हम एकेडमी रन आउट करते हैं जिसमें हेयर कट है, केमिकल है, एक्सटेंशंस है, हम लोग सारा कोर्स सिखाते हैं, इवन स्किन ट्रीटमेंट भी सिखाते हैं, और उनका ऑनलाइन प्रमोशनल विद सर्टिफिकेशन भी करती हूँ। अच्छा जी। हाँ दीदी, कितना चार्ज है भाई? चार्जेस इकोनॉमिकली है, और कुछ बच्चों के लिए फाइनेंस की भी ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, बहुत बहुत टफ रहे
तो फाइनेंस का ऑप्शन। वैसे दीदी निशा लामा तो खैर बहुत कम लड़की होंगी जो बन पाएगी। जब गुरु सिखाता है वो ये सोचता है कि बच्चा हमसे आगे जाए, दो कदम आगे जाए, और वो अपनी मेहनत से बनेंगी, भाई मैं अपनी मेहनत से बनूंगी, वो मेहनत करेंगे मैं बैठ जाऊंगी तो मैं पीछे हो जाऊंगी, मैं भी करूंगी वो भी करेंगे, दोनों आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो प्यारी प्यारी लड़कियां घर बैठी हैं जिनके माता पिता ताने कस रहे हैं बेटा कुछ कर ले, वो निशा लामा के पास आगे कोर्स कर सकती हैं और अपना जीवन तगड़ा बना सकती हैं। इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। बात की काम करने की ये मतलब नहीं है कि आपको पैसे पैसे की जरूरत है। काम करने का मतलब है एक लड़की को, मैं दो बेटियों की माँ हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटियां इंडिपेंडेंट हो, कितना कमाए मैटर नहीं करता, क्या कमाए मैटर नहीं करता, उनके पैसों से हमें कुछ नहीं है, बट वो बच्ची किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। आप भी बेटी के बाप हो, आप भी यही सोचोगे। बहुत बढ़िया दीदी, यार दीदी आपने बोला 10 मिनट में दीपिका बाहर आ रही है, दीदी 10 मिनट हो गए दीपिका अभी तक आई नहीं है। मैं गाना गाऊंगा तभी आएगी। गाना गाओ दीपिका आ जाएगी। क्या क्या गाना गाओ दीपिका आ जाएगी, आपके दिल की आवाज सुन लेगी। पक्का? जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ओ माय गॉड मेरी महबूब आ, मेरी महबूब आ। तस्वीर से निकल के इतनी सुंदर लड़की बाहर आ गई। सुंदर थी नहीं, मैं सुंदर बनाया है दीदी ने। वाह जी वाह, कितने ब्यूटीफुल हेयर एक्सटेंशन करके दिया, ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन। दीदी बहुत सुंदर लग रही है, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। और सनी मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ना एक डाउट रहता है कि जो हेयर एक्सटेंशन है वो ह्यूमन हेयर है या उसको टच करने पे वो प्लास्टिक के शो होते हैं, या कोई सामने वाला सोचेगा कि प्लास्टिक के हेयर लगवाए हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टली बोल रही हूँ, 100 दुनिया ये बात समझाते हैं, लेकिन जो हेयर एक्सटेंशन है ना वो अगर कहीं हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ निशा लामा दीदी के पास। एक वीडियो बना सकते हैं हम, दो वीडियो बना सकते हैं, तीन, लेकिन मैं 10,000 बार आपको यही बोलूंगी कि अगर हेयर एक्सटेंशन किसी के पास बेस्ट है तो वो दीदी के पास है। आप देख सकते हो कि मुझे बहुत दिन हो गया हेयर एक्सटेंशन करवाए हुए और मैं इसे बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना चाहती, और मैं और बड़ी लेंथ लगवाना चाहती हूँ। देखो कर्ल्स भी हो रखे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ स्प्रे, देखो कितने प्रिटी लगे। ये ह्यूमन बाल है, जैसे आप अपने बालों में स्टाइलिंग करोगे वैसे इनमें भी स्टाइलिंग कर सकते हो। हार्ड एंड फास्ट को ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है और ये डैमेज भी नहीं होते। दीपिका जब रिफिलिंग करवाओगे तो मेरे पास ही आना, रिफिलिंग प्रोसेस बहुत वैल्यू करता है। कई लोगों को रिफिलिंग नहीं आती तो वो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। एक्सटेंशन कभी भी बालों को डैमेज नहीं करेगी, आपके बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बस रिफिलिंग का ध्यान रखना होगा। और आपके पास तो वो स्प्रे भी है कि गाइस, इनके पास एक ऐसा स्प्रे है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसको ये स्प्रे करते हैं और बहुत ही इजीली, लोग कहते हैं खामखा की इनके ऊपर बातें हो रही है, भाई बाल तोड़ देते हैं, ये कुछ नहीं, हमने खुद देखा और हम कस्टमर ही है। हम सिर्फ कस्टमर का काम आपको बता रहे हैं ताकि जो हमारे व्यूवर्स है वो उनके बारे में गलत मत सोचो, क्योंकि भाई मैंने खुद देखा है स्प्रे करने से बहुत इजीली वो निकल जाता है। आप दूसरों के पास मत जाओ ना अगर एक्सटेंशन दीदी से लगवा रहे हो। कोई तोड़ेगा खींचेगा तो जो तोड़ेगा वो गलत होगा ना, जो एक्सटेंशन लगाना नहीं जानता उसको उतारना भी नहीं आता है। तो जिसको एक्सटेंशन लगानी आती है आप उससे करवाओ, और जिसको उतारने भी आती है उससे करवाओ। मेक श्योर आप प्रॉपरली एक ट्रेन थेरेपी से करवाओ, मतलब मुझसे करा लेना। और एक और बात, प्लीज हेट मत फैलाया करो अपना नाम ऊंचा करने के लिए। कभी भी इंसान को नीचा तो दिखाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। भगवान ने हमें जो लेवल दिया है वो अपने दम पर दिया है, तो दूसरे को नीचा दिखाओगे कि भाई अगली बाल तोड़ रही है, भाई हम बैठे हैं ना सामने सामने बैठ के हम देख रहे हैं कि नहीं तोड़ रही, और ये प्रूफ है कि मेरे को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मैंने लगवा रखा है और मैं नहीं हटाने वाली हूँ। आप मेरी वीडियोस में देखो, मेरा बहुत मन अक जाएगा तो मैं और लंबी लगवा सकती हूँ लेकिन हटाऊंगी नहीं। वो शूट वूट की बात हो तो बात अलग है भाई। बाकी एक्सटेंशन दीपिका 1 महीने से रख रही है, बीमार भी हुई है इस ड्यूरेशन में, इनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई एक्सटेंशन रखने में भी, और एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं किया इन्होंने, आराम से घर पे ही मेंटेन हुआ। बीमार तो दीदी बीमार तो ऐसे हुई है ना कि क्राउड में जाना, दबा के खाना पीना खाना, मास्क लगाना नहीं। भाई तबीयत सबकी खराब चल रही है, सबको वेदर खराब है, आपको तो मेरे पीछे पड़े रहते हो, आपने मेरा खून पी रहा है। भाई दीपिका गलत नहीं है। अच्छा हाँ, बेस्ट बीबी मिली आपको, इनको ऐसे लगता है बस इनकी बीबी गलत है। और जब से, लेकिन एक चीज तो मैं नोटिस कर रही हूँ, जब से मेरे बाल लंबे हुए ना इन्होंने लड़कियां देखनी छोड़ दी है। नहीं देखना नहीं भैया, लड़की नहीं अपनी बीबी देखो। नहीं मेरे हस्बैंड को लंबे बाल बहुत पसंद है। जब से आपने गुड़िया में जान में जान डाली है ना, इसके पास प्रमोशन के काम इतने तगड़े आ रहे हैं आपको बता नहीं सकता। माता रानी मेरी बहन सारी ड्रेसेस मुझ पे सूट कर रही है, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ। हाँ। देखो मेरा खुद का बाल ना पतला था तो उसपे क्या स्टाइलिंग नहीं हो पाती, बट क्या है सिर्फ एक्सटेंशन से, और वो भी कोई स्किन से थोड़ी ना कोई मतलब है इसका। नीचे से मैंने अटैच करवाया, प्रॉपर हेयर एक्सटेंशन है, नीचे से अटैच करे, अब जो स्टाइल चाहती हूँ वही हो जाता है। तो भाई एक्सटेंशन करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं टूटता आपका बाल, ना डैमेज होता है, इजी वॉश है,
वॉश करो, हेयर स्टाइल बनाओ, सब कुछ बस इजी ट्रेंड से ही करवाओ, ट्रेंड से ही निकलवाओ। दीदी आना कहाँ पे पड़ेगा जनता को? द्वारका सेक्टर 18 CSC मार्केट, मेरा भाई एड्रेस भी दे देगा और नंबर भी दे देगा। ये द्वारका गुजरात वाली है, दिल्ली वाली? दिल्ली वाली है भाई। अच्छा जी, गुजरात में भी है क्या? कमाल है यार, दिल्ली वाली है भाई। मेट्रो स्टेशन 13 उतर जाना, बस आ जाना भाई साहब। एक्सटेंशन नहीं कर सकता कोई और, इसकी गारंटी हम उठाते हैं, इतने तगड़े। तो दोस्तों दीदी को बेशुमार प्यार दो, तहलका मचाते रहेंगे बार बार। और एक सेकंड, ऑल ओवर इंडिया अगर आपको कहीं भी कराना है तो दीदी वहाँ पे भी भिजवा देती है। बट आपको क्या, आप खर्चा सब देखो और दीदी के एक्सटेंशन के पैसे। तो मैं कह रही हूँ एक्सटेंशन घर में बैठ के बोलोगे जिंदगी में कहीं पैसा खर्च किया है तो अपनी खूबसूरती बनाने के लिए नहीं किया। एक बार सारे के सारे निशा दीदी के लिए जोरदार तालियां, तहलका मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे निशा लम्बा के पास। अरे मेरे भाई हो आप, सही है। थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरे बालों के ऊपर एक और वीडियो बनाओ ना, ताकि निशा के बाल सब कुछ। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।